नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। पाकिस्तान में कब क्या हो जाए किसी को नहीं मालूम, ये बात हम कई बार कह चुके हैं, लेकिन क्या करें, जो हम कहते हैं या दुनिया कहती है वो झूठ नहीं कहती है, वो पाकिस्तान में सच साबित होता है। पिछले काफी दिनों से पाकिस्तान पर आरोप लगते रहे हैं कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक असुरक्षित हैं और उन पर जुल्म काफी होता है और सरकार और प्रशासन कुछ नहीं करता। इसके साथ साथ बलूचिस्तान, आजाद जम्मू कश्मीर में पाक आर्मी जुल्म करती है और जो सरकार के खिलाफ बोलता है उसको आर्मी अपने तरीके से सबक भी सिखाती है और इसको लेकर बलोच पूरी दुनिया में अपनी आवाज उठाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता और सेना और इमरान सरकार को किसी का डर नहीं। दोनों मस्त हैं क्योंकि पाकिस्तान में सेना काफी मजबूत है और सेना के खिलाफ कोई नहीं जा सकता और जो गया वो अपनी सत्ता से गया। लेकिन एक बलूच महिला नेता ने इमरान और आर्मी को जमकर धोया है और उस महिला का नाम है नायला कादरी बलूच। पहले ये वीडियो देखिए। इस तरह लापता रखना, मैं अगर नसीम की बात करूं, मोहम्मद नसीम खुद LLB का स्टूडेंट था, जो खुद कानून का रखवाला था, उसने कैसे कानून तोड़ा? अगर वो मुजरिम था तो लाए उसे अपने कोर्टों में पेश करें। मैंने पटिशन जमा की है, मैं GIT में गई हूँ, मेरे हर सवाल का जवाब मुझे दे, क्योंकि इस बात की सबसे बड़ी गवाह और सबूत मैं खुद हूँ, मुझे भी उठा के लेके गए थे। 3 महीने बाद मुझे रिहा कर दिया गया, लेकिन मोहम्मद नसीम अभी भी लापता है। ये मैं नहीं बोलूंगी कि वो लापता है, उसे पता नहीं कहां पे कौन उठा के लेके गया। उन्हें वही बंदूक बरदार नकाबपोश दहशतगर्द उठा के लेके गए हैं, जो हमारे सिंधी और बलोचों के नस्लों को खत्म करने के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन हम इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे। हमें हमारे प्यारे चाहिए, हमें हर वो बंदा चाहिए जो हमारा सरमाया है। सिंधिया भी हमारे सरमाए, बलोच भी हमारे सरमाए और पश्तून भी हमारे सरमाए। हमें सराय की हमारे सरमाए, हमें सबकी जरूरत है। हमें आकिब चांडियों की जरूरत है, हमें डॉक्टर दीम अहमद की जरूरत है, हमें फतेह मोहम्मद की जरूरत है, हमें अयूब कांजड़ों की जरूरत है, हमें नसीम बलोच की जरूरत है, हमें हर उस भाई की जरूरत है, हमें हर उस बाप की जरूरत है कि जिनकी माए घरों में बैठ गए रो रो के, कराची क्वेटा प्रेस क्लबों के सामने अपनी बीनाइयां खो चुकी है। वो बीवियां जिन्हें अभी तक पता नहीं, वो बेवा कर दी गई है या इनकी जिंदा रूम इनके शोहर जिंदा है, उन बच्चों की जवाब हमें चाहिए जो रो रो के अपने बाप के लिए तड़पते हैं। उन्हें पता नहीं कि हमारे बाप कैसा है, किस चिकल का है। हमें हर उस दुल्हन की दुल्हा चाहिए जो सेट से उठा के लेके गए हैं। हमें हर उस मंगेतर चाहिए जो मेरी तरह मंगनी तो कर चुके हैं, शादी को 20 दिन रह गए, ना ही उसकी विदाई हुई, ना ही उसकी गीत गाया गया, ना ही उसका निकाह हुआ। मुझे हर किसी का जवाब चाहिए। इसके लिए हम चलेंगे GHQ, हम धरने भी देंगे और रियासत को हमारा जवाब देना पड़ेगा कि हमारे लोग कहाँ हैं। अगर वो हमारे लोग नहीं देंगे तो इसके बाद हम इस्लामाबाद जाएंगे UNO के एम्बेसी के सामने। उसने पाकिस्तान को मेंबरशिप दिया है, उसने जब मेंबरशिप दिया है वही हमारे बंदे में वापस लौटा दे। शुक्रिया। जी हाँ, ये वीडियो आपने सुना, ये वीडियो नायला कादरी बलोच के ट्विटर हैंडल से डाला गया है। वीडियो में महिला चीख चीख कर कह रही है कि कैसे पाकिस्तानी सेना बलूचों को उठाती है और गायब कर देती है, जिसके बाद से वो मिलते ही नहीं है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल है, तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में आखिर हो क्या रहा है और कैसे जुल्म किए जा रहे हैं। आप वीडियो को एक बार फिर से देखिए और सोचिए। जाना और इस तरह लापता रखना, मैं अगर नसीम की बात करूं, मोहम्मद नसीम खुद LLB का स्टूडेंट था, जो खुद कानून का रखवाला था, उसने कैसे कानून तोड़ा? अगर वो मुजरिम था तो लाए उसे अपने कोर्टों में पेश करें। मैंने पटिशन जमा की है, मैं GIT में गई हूँ, मेरे हर सवाल का जवाब मुझे दे, क्योंकि इस बात की सबसे बड़ी गवाह और सबूत मैं खुद हूँ, मुझे भी उठा के लेके गए थे। 3 महीने बाद मुझे रिहा कर दिया गया, लेकिन मोहम्मद नसीम अभी भी लापता है। ये मैं नहीं बोलूंगी कि वो लापता है, उसे पता नहीं कहां पे कौन उठा के लेके गया। उन्हें वही बंदूक बरदार नकाबपोश दहशतगर्द उठा के लेके गए हैं, जो हमारे सिंधी और बलोचों के नस्लों को खत्म करने के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन हम इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे। हमें हमारे प्यारे चाहिए, हमें हर वो बंदा चाहिए जो हमारा सरमाया है। सिंधिया भी हमारे सरमाए, बलोच भी हमारे सरमाए और पश्तून भी हमारे सरमाए। हमें सराय की हमारे सरमाए, हमें सबकी जरूरत है, हमें आकिब चांडियों की जरूरत है, हमें डॉक्टर दीम अहमद की जरूरत है, हमें फतेह मोहम्मद की जरूरत है, हमें अयूब कांजड़ों की जरूरत है,
हमें नसीम बलोच की जरूरत है, हमें हर उस भाई की जरूरत है, हमें हर उस बाप की जरूरत है कि जिनकी माए घरों में बैठ गए रो रो के, कराची क्वेटा प्रेस क्लबों के सामने अपनी बीनाइयां खो चुकी है, वो बीवियां जिन्हें अभी तक पता नहीं वो बेवा कर दी गई है या इनकी जिंदा रूम इनके शोहर है जिंदा है, उन बच्चों की जवाब हमें चाहिए जो रो रो के अपने बाप के लिए तड़पते हैं, उन्हें पता नहीं कि हमारे बाप कैसा है किस शिकल का है, हमें हर उस दुल्हन की दुल्हा चाहिए जो सेठ से उठा के लेके गए हैं, हमें हर उस मंगेतर का मंगेतर चाहिए जो मेरी तरह मंगनी तो कर चुके हैं, शादी को 20 दिन रह गए, ना ही उसकी विदाई हुई, ना ही उसकी गीत गाया गया, ना ही उसका निकाह हुआ, मुझे हर किसी का जवाब चाहिए। इसके लिए हम चलेंगे GHQ, हम धरने भी देंगे और रियासत को हमारा जवाब देना पड़ेगा कि हमारे लोग कहाँ हैं। अगर वो हमारे लोग नहीं देंगे तो इसके बाद हम इस्लामाबाद जाएंगे UNO के एम्बेसी के सामने, उसने पाकिस्तान को मेंबरशिप दिया है, उसने जब मेंबरशिप दिया है वही हमारे बंदे में वापस लौटा दे। शुक्रिया।